नमस्ते मेरा नाम अनिल शारदा है आप पंचायत देख रहे हैं अलीगढ़ में इस वक्त उपस्थित है हम लोग और साथ में कैमरे पे दिख रहे हैं शुभम पटेल आईपीएस पी एस हैं दो बैच और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें हम लोग बातचीत करते हैं उन यू पास आउट और ज़िले में कार्यरत आई एस और आई लोगों से जो एक कड़ी मेहनत के बाद यूपीएससी क्रैक करके तो आते ही हैं साथ में अब जो यू करने वाले छात्र हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा के के काम आ रहे हैं प्रेरणा के स्रोत हैं तो ऐसे स्थिति में उनकी जर्नी को हम प्रोफाइलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक लेके आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो जान सकें कि इनकी जर्नी कैसी रही और उससे वो अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं तो बेहद स्वागत है शुभम जी आपका थैंक यू सो मच और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया और जिससे कि आ, मुझे भी खुशी है कि मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है यू का वो एसपरेंट्स के साथ शेयर करूँ और साथ ही जो आजकल के फील्ड के चैलेंजेस हैं उनके बारे में भी जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो आ, जो कुछ मैं शेयर कर पाऊँगा तो आई वुड बी हैप्पी टू शेयर तो अब शुरुआत यहाँ से कर ही लेते हैं थोड़ा सा कैजुअल कुछ पर्सनल सवाल भी हो जाए लेकिन वो राजनीतिक रूप से बिल्कुल नहीं होंगे पर शुरुआत यहीं से कि आपकी शुरुआत कैसे रही किन परिस्थितियों में रही और कौन से अटेम्प्ट में आपने अपने सपने को पूरा कर पाए सो okay. so, uh, वैसे uh, मैं कानपुर uh, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और uh, मेरी स्कूलिंग uh, कानपुर से ही हुई है तो आई वॉज़ uh, मेरी स्कूलिंग आई बोर्ड से हुई है और uh, उसके बाद uh, मेरा जो uh, अंडर ग्रेजुएशन है और मास्टर्स है वो मैंने दिल्ली से किया है और मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है फ्रॉम डेली और डेली में रहने के दौरान ही मैंने सिविल uh, सर्विस के लिए प्रपरेशन भी किया था और uh, फिर दो हज़ार पंद्रह में मेरा मास्टर्स कम्प्लीट हुआ और नेक्स्ट ईयर ही uh, मेरा सिलेक्शन हो गया था यू पी एस सी में सो इट वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट इन विच आई गॉट सेलेक्टेड इन यू पी एस सी एंड वॉट वॉज द रैंक दैट टाइम सो माई रैंक दैट टाइम आई गॉट सिक्स जीरो सिक्स सो आई गॉड आई पी एस एंड आई गॉड होम कार्ड तो आई वॉज हैप्पी विथ माई अटैम्प्ट एंड मेरा जो सब्जेक्ट था फॉर यू पी एस सी दैट वॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन तो उस सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट भी था और यूजफुल भी सब्जेक्ट है वो एज पर जो यू पी एस सी के जो डिमांड्स हैं जो पब्लिक सर्विस के डिमांड्स हैं उसको लेकर तो बेसिकली ये मेरा एक ब्रीफ जो यूपीएससी रिलेटेड जर्नी रहा है वो ऐसे रहा है परिवार आपका कैसा था बैकग्राउंड सपोर्ट आपको कैसा मिला और क्योंकि आप, आप जानते ही हैं आपके सहयोगी बहुत सारे ऐसे छात्र रहे होंगे जो बहुत ही मध्यवर्गीय परिवार और उससे भी निचले स्तर से आते हैं तो उनके लिए बेहद मुश्किल होता है कई लोग तो नौकरी में रह रहे होते हैं और बाद में फिर तैयारी करते हैं कई लोग छोड़ के आ जाते हैं तो उनके पास ऑप्शन के नाम पर यही होता है कि एक नौकरी बचा लें या फिर यू कर लें तो वैसी परिस्थिति में आपका बैकग्राउंड क्या रहा या फिर आपके साथ ही कुछ ऐसे रहेंगे तो उनकी भी कोई एक कहा जी देखिए मेरा बैकग्राउंड तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी टीचिंग प्रोफेशन से हैं और मेरे फादर एक प्रिंसिपल हैं कानपुर में एक स्कूल में और मेरी मदर भी टीचर हैं तो उनका हमेशा से सपोर्ट भी रहा है गाइडेंस रहा है मेरे पेरेंट्स का कि वो मेरे पेरेंट्स भी थे और टीचर भी एक तरह से मेरे मेंटर भी थे और इसके अलावा मेरे कुछ एल्डर्स रहे रिलेटिव रहे जो मेरे एल्डर ब्रदर हैं उनका भी यू में सिलेक्शन हुआ था टू में तो वो एक तरह से मेरे लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा जो एक गाइडिंग फैक्टर होता है वो वो थे और उन्होंने मुझे गाइड भी किया और साथ ही मोटिवेट भी किया और आ, आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट वुड गो टू हिम ऑल्सो और इसके अलावा मेरे अंदर uh, जो सेल्फ मोटिवेशन वो हमेशा से था कि uh, मुझे जो एक सोसाइटी uh, के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना है hmm. तो एक वो जो झील होती है उस वजह से मैं इवन ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन मैं काफ़ी जो ह्यूमैनिटीज़ रिलेटेड सब्जेक्ट्स थे मैं अधिकतर क्योंकि सोशल hmm. साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ ही मेरा रहा है hmm. तो मैं उनको लेकर मेरा चिंतन भी रहता था और मुझे ये लगता था कि समाज में जो भी इश्यूज़ हैं उनको अगर हमें टैकल करना है तो सिविल सर्विसेज़ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम एक समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो मेरा एक पॉजिटिव मोटिवेशन रहा जो सिविल सर्विसेज़ में आने के लिए जिसने मुझे प्रेरित किया वहाँ पे मुखर्जी नगर में ही तैयारी आपकी भी रही होगी जी मेरी तैयारी ये ओल्ड राजर नगर में थी जो दिल्ली का जी करोल बाग एंड ओल्ड राजन नगर तो मोस्टली मैंने वहीं से कोचिंग किया है और मैंने जी तो खुद से ही किया था और जो सब्जेक्ट था उसके लिए मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था अच्छा ये मैंने मोहंती इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो दैट वॉज अ ब्रीफ बट इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि सिविल सर्विस के लिए स्पेशली जो नया पैटर्न है उसमें मोस्टली इट इज़ अबाउट सेल्फ प्रिपरेशन सेल्फ़ स्टडी क्योंकि अब कोचिंग uh, इंस्टीट्यूट्स थोड़ा बहुत तो आपको हेल्प करते हैं थोड़ा गाइड करते हैं परंतु आज कल तो इतना इन्फॉर्मेशन फ्लो हो गया है कि बहुत सारे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ अपने ऑनलाइन ब्लॉग्स पर डालते हैं यूट्यूब पर डालते हैं एंड आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हो और uh, बेसिकली आपको खुद की स्ट्रैटेजी खुद से बनानी पड़ेगी दैट इज इसका मूल मंत्र जो मुझे लगता है और गाइडेंस uh, के लिए ऑब्वियसली आप अपने senior से consult कर सकते हैं पर uh, यह कोई जरूरी नहीं है कि कोचिंग ही की जाए आई uh, थिंक आजकल बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो विदाउट एनी कोचिंग भी यूपीएससी uh, में सेलेक्ट हो रहे हैं आपको जानना चाहता हूँ आपसे कि मैं अभी हाल ही में गया था मुखर्जी नगर तो जब कभी किसी गांव के परिवेश से पिछड़े इलाके से कोई छात्र आता है तो वो नहीं जानता है कि हाउ टू चूज़ अ इंस्टीट्यूट या फिर कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट चूज़ किया जाए क्योंकि वहाँ पे वैराइटीज़ बहुत सारी से हैं मतलब इतनी दुकानें खुली हैं और सब आईएएस और आईपीएस और एन डी ए वगैरह की तैयारी करा रहे हैं और पुष्टि के साथ कि हंड्रेड परसेंट की, की गारंटी तो वैसी स्थिति में ये हंड्रेड परसेंट को कैसे चुने कोई छात्र आए तो देखिए ये तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है क्योंकि स्पेशली अगर कोई दूर दराज के जगहों से लोग आते हैं और दिल्ली की चकाचौन में आते हैं तो ये हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि क्योंकि सभी कोचिंग ने अपने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं कि हमारे यहाँ से इतने सेलेक्शन हुए इतने हुए पर सच्चाई जो है वो सबकी अलग अलग है तो कुछ स्टूडेंट्स ने वहाँ पे सिर्फ हो सकता है कोई सिर्फ एक दिन के लिए गया हो उस कोचिंग में सिर्फ इंटरव्यू के तैयारी के लिए एक दिन के लिए गया हो परंतु उसका भी क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रेडी रहते हैं तो बेसिक आइडिया ये होता है कि आई थिंक अगर आपके कोई जान पहचान का व्यक्ति है जो पहले से सेलेक्ट हुआ है या जिसने गंभीरता के साथ तैयारी की है तो अगर आप उससे एक बार एटलीस्ट एडमिशन लेने से पहले तो ज़रूर किसी ना किसी से या तो आप मिल के आ, किसी से फीडबैक ले लीजिए कि आ, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा अच्छा है तो फीडबैक एक बार किसी नोन पर्सन से लेना बेहतर रहता है चाहे आपका कोई कॉलेज का सीनियर हो या आपका कोई रिलेटिव हो या किसी आ, और सोर्स के थ्रू तो उसमें भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको जनरल फीडबैक मिल जाएगा कि ये इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो वन टू वन ध्यान देते हैं बच्चों पे और इनका जो आउटपुट है वो एक्चुअली में प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ाते हैं कितना हेल्पफुल होते हैं ये कोचिंग संस्थान सेल्फ स्टडीज़ के अलावा जी आ, वही जैसे मैंने बताया कि आजकल जो पैटर्न है यूपीएससी का उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो महत्व है वो आ, वैसे तो काफ़ी कम हो गया है अब ये ज़रूर है कि कुछ हद तक जैसे हमें टेस्ट सीरीज़ Uh, उनका जो मूल्यांकन होता है क्योंकि वो छात्र खुद से नहीं कर पाते हैं उसके लिए या तो आप अपना एक पीयर का ग्रुप बना सकते हैं अपने साथियों का ग्रुप बना सकते हैं उसमें आप अपने साथियों के पेपर्स आप चेक कर सकते हैं और वो आपका चेक कर सकते हैं और मॉडल आंसर्स वगैरह आपको जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो या तो आप पीयर के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो आपको कोचिंग का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी परंतु यदि आप अगर आपको लगता है कि कोचिंग की आवश्यकता है और टेस्ट सीरीज़ वगैरह की आवश्यकता है तो फिर मार्केट में ऑप्शंस हैं आप उसमें से पहले आप उसको वे कर लें सेलेक्ट कर लें कि कौन से फीडबैक ले लें ज़रूर कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं जहाँ की फैकल्टी अच्छी हो जहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता हो बच्चों को तो उन्हीं इंस्टीट्यूट्स को मेरे हिसाब से ज्वाइन करें अदरवाइज़ अपना समय जो है आपका जो मूल्यवान समय है वो आपका व्यर्थ हो जाएगा तो ये आ, कोशिश करें कि पहले से फीडबैक लेके रखें अब थोड़ा सा आपके काम पे आ जाते हैं हैं क्योंकि अब तो जो आप ज्वाइन कर चुके पाँच छह साल हो गया आपको काम करते हुए अभी फिलहाल अलीगढ़ में आप ग्रामीण इलाका देख रहे हैं वहां से एस हैं ग्रामीण और अर्बन इलाके में कितना अंतर होता है टास्क क्या क्या रहते हैं और कितने तौर तरीके बदल जाते हैं काम करने के देखिए अभी मैं यहाँ पर एज़ एस पी रूरल चार्ज देख रहा हूँ तो रूरल एरिया में यहाँ पर अलीगढ़ में काफ़ी बड़ा जोग्राफिकल एरिया है जिसमें टोटल पाँच सर्कल्स हैं और सोलह पुलिस स्टेशन हैं जो अभी मेरे अंडर में आ रहे हैं और जैसे मैंने बताया कि जोग्राफिकली बहुत ही बड़ा एरिया है ये और कुछ थाने हैं जो जिनका एरिया एटलीस्ट बीस स्क्वायर किलोमीटर्स का है तो वहाँ पर क्राइम भी काफ़ी रहता है और रूरल परिपेक्ष में अगर बात करें तो अब क्योंकि रेट ऑफ अर्बनाइजेशन ज़्यादा है और सिटी के जो कोर सिटी के जो क्राइम्स हैं जैसे रॉबरी और लूट वगैरह थेफ्ट वगैरह वो अब हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे मोस्टली जो अगर नेचर ऑफ़ क्राइम्स की बात करें तो जो आपसी विवाद होते हैं या जो प्रॉपर्टी को लेके विवाद होते हैं उस तरह के या मर्डर्स हो जाते हैं और साथ ही कुछ घटनाएं होती हैं जिसमें रेप्स भी हो हो जाते हैं तो इन सब को लेके हम कोशिश करते हैं कि एक तो हम कम्युनिटी पुलिसिंग पे भी ध्यान देते हैं यहाँ पर कि सोसाइटी में हम पहले से जैसे चौपाल लगाकर और थाने पर समाधान दिवस का आयोजन करके और पीस कमेटी की मीटिंग करके हम ये कोशिश करते हैं कि इस तरह के जो विवाद हैं उनको हम पूर्व से ही उनको हल करने का प्रयास करें स्पेशली जो भूमि संबंधी विवाद हैं या आपसी जो प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स हैं तो कई केसेस में या क्योंकि पूर्व से ही अगर मध्यस्थता हो जाती है तो वो विवाद आगे नहीं बढ़ता है नहीं। तो पहला तो हमारा गोल यही रहता है कि हम क्राइम को कैसे प्रिवेंट करें कि क्राइम होने ना पाए परंतु यदि किसी आ, सूरत में क्राइम हो जाता है क्योंकि नेचर ऑफ सोसाइटी आजकल ऐसा है कि सोसाइटी में लोगों पे पेशेंस बहुत कम है एंड लोगों के पास क्राइम करने के लिए आजकल लोग सोचते नहीं हैं ज़्यादा सिर्फ आवेश में आकर कई तरह के क्राइम्स आजकल किए जा रहे हैं तो अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है तो हमारा ये पूर्व प्रयास रहता है पूर्ण रूप से प्रयास रहता है कि तुरंत ही घटनास्थल पर पहुँच के और मौके से जो भी एविडेंस है उसको कलेक्ट करके और आजकल सर्विलांस की मदद से काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं तुरंत ही सर्विलांस की मदद लेते हुए और फॉरेंसिक यूनिट्स की मदद लेते हुए तो हम प्रयास करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र एक तो उस घटना को रजिस्टर किया जाए और हमने अभी हाल में काफ़ी घटनाओं का हत्याओं का अनावरण भी किया है तो प्रयास हमारा यही रहता है कि फॉरेंसिक एविडेंस और साइंटिफिक तरीक़ों से हम अपने इन्वेस्टिगेशन को कम्प्लीट करें जिससे कि हमें उनको सज़ा दिलाने के लिए कोर्ट में जब केस ऑन ट्रायल जाएगा तो उसमें सज़ा दिलाना हमारे लिए पुलिस के लिए आसान है तो हमारा जो अंतिम उद्देश्य है वो यही रहता है कि सोसाइटी में अगर हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है और जो दोषी है वो अगर उसको कोर्ट से सज़ा नहीं मिल पाएगी तो हमने जो भी मेहनत की इन्वेस्टिगेशन की उसका कोई लाभ नहीं होगा और जो एक लॉन्ग टर्म में अगर सोसाइटी में बैलेंस बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनको उसकी सजा मिलती रहे तो एक डिटरेंस इफेक्ट जो सोसाइटी में ज़रूरी है तो हम उसके लिए कर्तव्यबद्ध हैं एक सवाल और शुम सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा हालांकि सवाल अभी दो तीन और हैं लेकिन पहले आपकी उम्र कितनी है मेरी उम्र अभी तो उनतीस वर्ष है जी। मेरी भी यही है अभी तीस होने को जा रही है सवाल मैंने इसलिए किया कि कई मैं पचास साल पचपन साल के आई पी एस आई से भी जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो उनसे भी कई अलग तरह के सवाल कर रहे होते हैं तो उनके सवालों के जवाब बहुत घूम फिर के अलग आते हैं आप युवा हैं और समाज में जो चीज़ें हो रही हैं भली बाती उससे उसको सॉल्व भी कर रहे हैं एक पुलिस होने के नाते और दूसरा कि उसे महसूस भी करते होंगे क्योंकि जब आप और मैं पढ़ाई कर रहे थे तैयारी कर रहे थे तो उसी समय जो गैंग की घटना थी दिल्ली में वो भी हुई थी और ऐसी न जाने कितनी ही और आपसे बेहद सटा हुआ जला है हाथरस वहाँ पे भी ये घटना हुई तो मैं बस समझना चाहता हूँ कि जब ऐसी घटनाएँ आप लोगों के सामने आती हैं मैं चाहूँगा कि आप इसी को फोकस करके जवाब दें रेप जैसी किसी भी इस ब्रूटल जो केस है उसके लिए कि आप लोग फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं क्या तय मानक आप लोगों के होते हैं क्योंकि वो घटनाएं लंबित रह जाती हैं कई बार मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं सामूहिक तौर पे जानना चाहता हूँ और वो एक दर्शक के रूप में लोग भी जानना चाहेंगे और जो तैयारी कर रहे हैं वो भी समझना चाहेंगे कि वो केस को सॉल्व करने का क्या तरीका है और कितना दबाव से होकर गुजरना पड़ सकता है या पड़ता होगा देखिए आजकल जैसा कि सभी को पता है कि जो महिला संबंधी अपराध हैं उसको लेकर समाज भी काफ़ी जागरूक हुआ है और हमारी पुलिस भी काफ़ी जागरूक हुई है और साथ ही शासन के ये लगातार निर्देश मिलते रहते हैं कि महिला संबंधी अपराधों में पूर्ण पारदर्शिता के साथ और निष्पक्ष तरीके से और जो एक थरो इन्वेस्टिगेशन होता है उसको करने का हमारा ये हमेशा से ये हमारी कोशिश रहती है कि थरो इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जैसे ही किसी ऐसे क्राइम की सूचना मिलती है तो हम तुरंत ही आ, एज़ ए सुपरवाइजरी ऑफिसर अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक तो क्राइम सीन पे कितने ज, जितने ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस क्राइम सीन पे कलेक्ट किए जा सकें और साइंटिफिक एविडेंस जो भी जुटाए जा सकें उनको हम क्राइम सीन से कलेक्ट करते हुए प्रॉपर वीडियोग्राफी कराते हुए उन एविडेंसेस को हम फोरेंसिक uh, लैब्स में रिपोर्ट्स के लिए भेजते हैं और दूसरी चीज़ें हम सर्विलांस और इन टेक्निकल जो इनपुट्स हैं उनकी मदद से हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो उस पीड़ित के संपर्क में आए हैं या उसके संपर्क में रहे हैं फिर पीड़ित के जो पीड़िता के जो खुद के बयान होते हैं उसके आधार पर और जो सर्कमस्टांशल एविडेंस होते हैं इन सभी के आधार पर हम एक डिटेल्ड पूछताछ करते हैं सभी पहलुओं को जानने के लिए तो इससे ये होता है कि जब डिटेल्ड में पूछताछ की जाती है और अगर हम एक निष्पक्ष तरीके से कार्य करते हैं सभी पहलुओं को जानने के प्रयास करते हैं तो उससे लगभग शत प्रतिशत केसेस में ऐसा होता है कि हम जो असली जो हाँ असली मुजरिम है उस तक पहुँचते हैं और जो घटना का मूल कारण है उसको भी हमें अनावरण करने में उसमें सफलता मिलती है तो मेरा बस यही इसमें कहना है कि सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि जो पुलिस टीम उसकी विवेचना कर रही है जांच कर रही है वो एक तो प्रोफेशनल तरीके से उसको करना चाहिए जो हमारे कई सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं रेप केसेस में जिसमें मेडिकल रिपोर्ट्स किस तरह से लेनी है और इन सभी को लेकर जो प्रोफेशनल तरीके हैं उनसे एक तो करना चाहिए और इसके पश्चात जो भी निष्पक्ष तरीके से सभी सभी लोगों के बयान और जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो अगर निष्पक्षता के साथ होगी तो ऐसे केसेस को भी सुलझाने में हंड्रेड परसेंट लगभग सफलता मिल जाती है बीच में बातचीत हम लोग की हो रही थी तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक सवाल मैं ये कर लेता हूँ कितना फ्रीडम महसूस होता है इस जॉब में आने के बाद देखिए लाइक एनी अदर पब्लिक सर्विस तो पब्लिक सर्विस में ऑब्वियसली हमारा जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हम सोसाइटी को सर्व कर पाएँ और क्योंकि हमारी जो ब्यूरोसी है उसमें एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं लॉज हैं और जो जितने और एज अ पुलिस तो हमारा काम है जितने भी लॉज बने हुए हैं सभी का जो एग्जीक्यूशन का काम है तो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी पुलिस है तो इसलिए जो हमारा अगर हम उद्देश्य के रूप में देखें कि सोसाइटी को सर्व करने का जो उद्देश्य है तो उसके अनुरूप तो हम अपने जो दिए गए रूल्स है उनके अंतर्गत अगर कार्य करेंगे तो हम वो देश की प्राप्ति कर सकते हैं जवाबदेही किसके किसके प्रति है जनता के प्रति ही है या फिर सरकार और जनता दोनों के प्रति है देखिए आज पब्लिक सर्वेंट और क्योंकि हम लोग भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट हैं तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हुए हमारा जो प्राइम रोल है वो ये है कि जो रूल ऑफ लॉ है जो कानून है उसकी सुरक्षा करना और क्योंकि रूल ऑफ़ लॉ से ही सोसाइटी में ऑर्डर बनता है इसलिए जी तो इसीलिए हम रूल ऑफ़ लॉ को अगर हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करा पाएंगे तो सोसाइटी में एक जो बैलेंस रहता है वो बना रहेगा और इसके साथ ही क्योंकि हम एक एग्जीक्यूटिव मशीनरी हैं तो इसलिए हमें शासन के निर्देशों के अनुरूप ही कार्य करते हैं तो इसका आखिरी सिरा हम लोग बातचीत कर लेते हैं फिर से वापस एक बार यूपीएससी की तरफ ही चलेंगे उसमें भी क्या आ तो आप अंग्रेज़ी मीडियम से आते हैं हिंदी वालों का बड़ा बुरा हाल है इस बार यूपीएससी में और पिछले दस साल के जो पैटर्न धीरे धीरे चेंज हुए उसमें तो हमने देखा ही एक हिंदी मीडियम यू वाले को अगर कुछ आपको बताना हो ये आखिरी सवाल है उसका जवाब आप लंबा दे सकते हैं तो उनके लिए आप क्या कहेंगे और तैयारियों का एक सिलसिला जो चला आता है उसमें आप नए टेक्निक्स किसी को देना हो तो उन जैसे छात्रों को क्या देंगे और या फिर वैसे लोग जो अभी यूपीएससी सोच नहीं रहे हैं लेकिन उनके आसपास का कोई निकल जाता है अभी हाल ही में शुभम कुमार टॉप किए हैं कटिहार में तो जिस गांव से आते हैं शायद ज़रूर अब गांव के और भी बच्चे चाहेंगे ही करें तो वैसी स्थिति में आप उन लोगों के लिए एक अपनी राय दीजिए और उनको बताइए कि क्या कर सकते हैं देखिए यू पी जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसमें मेरा जो मानना है कि यू उन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना चाहता है जो प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ समझें बल्कि प्रॉब्लम्स के लिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस कैसे हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारी हमारा जो देश है भारत उसमें आ, क्योंकि इतने इतना बड़ा देश है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमारे देश में काफ़ी समस्याएं भी हैं और काफ़ी अच्छाइयां भी हैं तो हमें वैसे आ, जो वैसे अधिकारी चाहिए या वैसे ब्यूरोट्स चाहिए जो ना सिर्फ समस्याओं को समझें बल्कि उनको एनालाइज़ करें और उस पर अपने क्रिएटिव सोल्यूशनस के साथ क्या कैसे उन समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है और क्या हम गवर्नमेंट सेटअप्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या फिर हम कैसे सोशल सेक्टर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं सोशल सेक्टर स्कीम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं तो इन सभी बिंदुओं पे विचार करने की आवश्यकता है और मेरे विचार से जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसका भी पैटर्न ऐसा ही है कि वो यही अपेक्षा करता है स्टूडेंट से कि वो लोग इन बिंदुओं पर अपना जो भले ही वो रिटर्न एग्ज़ाम हो या जो इंटरव्यू का जो बोर्ड होता है वो इन बिंदुओं पे जो परीक्षार्थी होते हैं उनको उनको नापता है कि वो लोग कितना सक्षम हैं इन दोनों जो मैंने बातें कही इनको करने में तो इसमें देखिए माध्यम की जहाँ तक बात है तो अब मेरे विचार से माध्यम का कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है इस एग्ज़ाम को लेकर क्योंकि सभी माध्यम के स्टूडेंट्स इसमें सेलेक्ट होते हैं ना सिर्फ हिंदी और इंग्लिश बल्कि जो प्रांतीय भाषाएं हैं उनके भी स्टूडेंट्स जो अपना जी का पेपर प्रांतीय भाषाओं में अटेंड करते हैं वो लोग भी सेलेक्ट होते हैं तो माध्यम आ, सिर्फ एक जरिया है अगर आप जो फोकस है वो इस चीज़ पर रखें कि किस तरीके से आप बेहतर रूप में सल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं और क्रिटिकली एनालाइज़ कर सकते हैं समस्याओं को तो आ, ये एग्ज़ाम में सफलता तो आ, किसी को भी और सभी को मिल सकती है और जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया अभी रिसेंटली जो सिविल सर्विस का रिजल्ट आया है उसमें शुभम कुमार जो बिहार के रहने वाले हैं तो उन्होंने टॉप किया है एग्ज़ाम तो तो कोई भी व्यक्ति जो अगर एक स्ट्रैटेजी के साथ और इस विचार के साथ ये एग्ज़ाम में बैठता है कि मैं देश की समस्याएं या समाज की जो हैं उनको समझता हूं और इनको कैसे दूर किया जा सकता है या क्या सोल्यूशनस हैं उनके लिए उसके मन में आइडियाज़ हैं और उन आइडियाज़ को वो प्रेजेंट करना जानता है तो वो इस एग्जाम में सक्सेसफुल हो सकता है बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया अशुभम जी बातचीत करने के लिए हमारे साथ चलिए थैंक यू सो मच तो शुभम पटेल आई पी हैं अलीगढ़ में कानपुर के रहने वाले हैं होम का्डर है, है उत्तर प्रदेश का इनका और ये तो बातचीत का दौर हुआ दूसरा यूपीएससी में जो भी तैयारी कर रहे हैं जितने भी छात्र हैं हमारी शुभकामनाएं भी हैं क्योंकि वो तैयारियां कर रहे हैं और निरंतर प्रयासरत हैं कि वो अपने सपने को साकार कर पाएँ शुभम जैसे अन्य जितने भी पास करने वाले छात्र हैं उन सभी का हम लोग उन्हें शुभकामनाएँ देते हैं सभी को और ये ज़रूर रहता है क्योंकि अगर आप बिहार झारखंड से आते हैं तो वहाँ के कुछ आई एस आई हैं तो उनकी एक संस्था चलती है वहाँ पे बेहद अच्छी संस्था है आ, बीके प्रसाद सर हैं 83 बैच के आई हैं और उनके साथ फिर कई आई ए जुड़े हैं अलग अलग राज्यों से भी एन नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ सिविल सर्विसेज के नाम से वो संस्था चलती है जिसमें छात्रों को वो लोग ट्रेनिंग देते हैं उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं उनको किस तरीके से इंटरव्यू में जो प्रिपेयर करना है उसके लिए तैयारी कराते हैं सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करते हैं और थोड़ा बहुत फ्री होकर पढ़ा भी देते हैं किसी की कोई वीकनेस हो तैयारी करनी हो तो ऐसी संस्थाएँ मेरे हिसाब से अगर पूरे आ, देश में बने अलग अलग बने वो चाहे एन एस -सी, सी संस्था बड़ी हो जाए या फिर और लोग जुड़ के अलग अलग चीज़ें करें कुछ तो ऐसे भी हैं कि रिटायरमेंट से पहले ही छोड़ के जा जा के कहीं ना कहीं वो तैयारी करा रहे हैं तो ये एक नए बदलाव होने बेहद ज़रूरी हैं सोसाइटीज़ में क्योंकि अब नए लोगों की और नए विचारों की जो ज़रूरत है देश में क्योंकि अगर आप मजबूती चाहते हैं और पुरानी चीज़ों से बाहर निकल के डेवलपमेंट की ओर अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो नए छात्रों के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो प्रगतिशील भारत को एक नया रास्ता एक नए मुकाम पर लेके जा सकते हैं तो वैसी स्थिति में ये बेहद ज़रूरी है खैर इस वीडियो में सफे इतना ही मेरा नाम अनिल शारदा है आप आपदा पंचायत देख रहे थे और एक थोड़ा अलग तरीके से है हमने इस बार तय किया है कि हम लोग सब्सक्राइब करने के लिए अपने चैनल को खुद से नहीं बोलेंगे हालांकि कभी कभी बोलते भी हैं और आपसे भी इस तरीके से नहीं कहेंगे कि आप बोलिए कि सब्सक्राइब कर दें क्योंकि क्या पता मैं गलत काम कर रहा हूँ अच्छा काम कर रहा हूँ पर फिर भी अगर आप चाहें तो ये जरूर कह सकते हैं कि अगर ये लोग सही काम कर रहे हों तो ज़रूर सब्सक्राइब किया जा सकता है तो अगर आपको ठीक लगे आ, तो मैं सभी दर्शकों से ये आग्रह करूँगा कि अगर आपको इस चैनल का कार्य अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और यू के स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएँ बेहद शुक्रिया धन्यवाद